कलाकारों का, क्या कुछ कहना चाहेंगे एंटायर टीम को, आरआर फिल्म्स को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आरआर फिल्म्स को बहुत मुबारकबाद, चूँकि नए साल में इन्होंने एक नई कोशिश, नई शुरुआत की है और राज का अपना एक अलग अंदाज है। नए कलाकारों के साथ हम सब, हम पुराने कलाकारों को भी याद किया इन्होंने और ये फिल्म में हम सब लोग एक हिस्सा है। मुश्ताक भाई हैं, गोयल साहब हैं, मैं हूँ, सुफियान है, तो ये बहुत अच्छा है। ये कैमरे के सामने नहीं आते हैं, कैमरे के बिल्कुल पीछे हैं और एक अच्छा काम कर रहे हैं। नए कलाकारों का एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और मुझे लगता है कि ये अच्छी कोशिश है और मुझे बहुत सारे नए कलाकारों को इन्होंने चांस दिया, तो इससे बहुत खुशी होती है कि ये आदमी की सोच बहुत अच्छी है, बहुत नेक है। मालिक ने इसमें अपने मकसद में कामयाब करें ऐसा मैं सोचता हूँ। ये मैं एक बात जानता हूँ कि जो भी राज सिंह राजपूत कर रहे हैं ऐसा मैंने कभी पहले नहीं देखा है। इतनी लंबी लाइफ चली मेरी फिल्म लाइन में, लेकिन इस तरह का माहौल जो है मैंने कभी देखा नहीं कि हर आदमी को बराबर इम्पोर्टेंस मिल रही है, हर कलाकार को, हर टेक्नीशियन को, सबको इज्जत मिल रही है, सबको मान सम्मान मिल रहा है और बार बार मिल रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। राज सिंह राजपूत का इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि हम ये सोच भी नहीं सकते थे जब इनसे मुलाकात कर रहे थे। तो सबसे पहले तो मैं राज भाई को मुबारकबाद देता हूँ उनकी सोच को, इतनी बड़ी सोच लेके इस फिल्म इंडस्ट्री में चल रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म इंडस्ट्री में सोच बड़ी बहुत कम लोगों की है, लेकिन वो इस अर्ली स्टेज पर इनकी स्टार्टिंग है इस बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में और इतनी बड़ी सोच लेके चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और अभी जो उन्होंने बोला सबके बारे में कि मुझे इन्होंने मदद की, उन्होंने मदद की, फलाने ने मदद, सबको उन्होंने शुक्रिया अदा किया और सबकी बहुत इज्जत की, बार बार नाम लिया, ये ऐसा कोई करता नहीं है। क्योंकि जो लोग इनिशियल स्टेज पर मदद करते हैं उनका तो कोई बाकी नाम नहीं लेता है, सब भूल जाते हैं आगे आने के बाद में, लेकिन राज सिंह राजपूत को एक एक नाम याद है। जो भी जब से लाइफ, यानी शॉर्ट मूवी से लाइफ स्टार्ट की आज तक, उनको एक एक नाम याद है। सब नाम मेरे सामने अभी इसी 10 मिनट पहले, अली खान साहब के आने से पहले, मुश्ताक भाई के आने पहले, मुश्ताक भाई के सामने ही सबके नाम लिए, सबको इज्जत दी, सबका धन्यवाद दिया। ये डाउन टू अर्थ जो आदमी होता है वही कर सकता है। डाउन टू अर्थ होना बहुत मुश्किल काम है। जब आदमी थोड़ा सा बढ़ने लगता है आगे तो वो सब चीज़ें भूल जाता है। जितने पुराने आदमी हैं, मदद करने वाले आदमी, कोई ध्यान नहीं रहता उसको, वो अपने ही मद में, घमंड में और अभिमान में ही लगा रहता है कि मैं अभी यहाँ तक तरक्की कर गया हूँ, मेरे पास में प्रेस है, मेरे पास में एक्टर हैं, अभी पुराने लोगों की क्या ज़रूरत है। लेकिन नहीं, उन्होंने सबसे पहले, पहले आदमी तरवेश हैं, यानी इनको तरवेश शेख का मालूम है जो फर्स्ट टाइम उन्होंने मिले थे और उन्होंने मद की। इसका मतलब यह है कि ये राज सिंह राजपूत बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी है। और चूंकि हम सब लोग उनके साथ में काम कर रहे हैं, वो हमारे डायरेक्टर हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम इतने अच्छे प्रोडक्शन में काम करेंगे। और निश्चित रूप से आप सब लोगों की दुआएं, हम लोगों का, खासकर मेरा उनको आशीर्वाद है कि वो बहुत बहुत तरक्की करें और इसी तरह से पूरी टीम को लेकर चलें। अभी इन्होंने एक लाइन बोली थी कि आज मेरे साथ में 65 कलाकार हैं, मैं चाहता हूं अगली फिल्म में 665 कलाकार हों, यानी 600 और आंकड़े जुड़ जाएं, और फिर 6665 हो। उनका मकसद यह है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कलाकारों को जोड़ूं और जिन लोगों को कभी पर्दे पर आने का मौका नहीं मिला, ये जो पोस्टर छपवाए थे पिछले अटेम्प्ट में जब फंक्शन किया था इन्होंने, पोस्टर लॉन्च किया था, एक एक कलाकार के नाम से पोस्टर बनाया है, उनके फ़ोटो लगाए हैं और पूरे हिंदुस्तान में बांटे जा रहे हैं। इतना बड़ा दिल होना बहुत मुश्किल है, मैंने नहीं देखा किसी का इतना बड़ा दिल। और मैं इस बड़े दिल की, बड़े सोच के लिए वाकई मैं मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो हर एक्टर का भविष्य चाहते हैं, साथ में जो इस फिल्म से पैसा मिलेगा, जब फिल्म रिलीज होगी पैसा आएगा, तो उनकी सोच हिंदुस्तान के उस कॉर्नर तक है। मैं मिलिट्री के जो हमारे शहीद हो गए हैं जवान, उनकी विधवाओं को पैसे दूंगा 25%, और जिन किसानों ने आत्महत्या की है उनकी विधवाओं को मैं जब 25% प्रॉफिट दूंगा, बाकी के प्रॉफिट में से मेरी टेक्निकल टीम, आर्टिस्ट टीम, सब उसी में अपना प्रॉफिट लेगी। ये मजाक नहीं है,
मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ 44 साल से काम कर रहा हूँ इस लाइन में, लेकिन मैंने इस तरह का प्रोड्यूसर डायरेक्टर कभी देखा नहीं यहाँ पर। वो काम कराया और भूल जाते हैं, हम भी काम करके उनको भूल जाते हैं, फिर दोबारा जिंदगी स्टार्ट करते हैं, फिर काम करते हैं, फिर दोबारा भूल जाते हैं। लेकिन इनके बिहेवियर से, इनके बर्ताव से मुझे ऐसा लग रहा है ये हमको कभी भूलने वाले नहीं हैं। हम जब भी काम करेंगे तो हमको बहुत फख्र महसूस होगा। तो चूंकि समय बहुत कम है और बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े लोग कलाकार बोलने वाले हैं और सब लोग हैं, मीडिया है, और मीडिया तो बहुत सपोर्टिंग है। साथ आप यहाँ पर आए हुए हैं, शुक्रिया बहुत बहुत मीडिया का, और आप सब लोग जो अतिथि आए उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरी तरफ से दरख्वास्त है कि आप राज सिंह राजपूत को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, जनता जनार्दन का, बच्चों का, भाई बहनों सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। 6 से 65 हो गया है और आप पहले वो शख्स थे जो उनके साथ जुड़े हुए थे, पहला शॉर्ट फिल्म था उनका, वहां से लेके आज तक इनका सफर आपने देखा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरे लिए तो सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहूँगा। इस नए साल में सभी लोग जो चाहते हैं उनकी और जो उन्होंने सोचा हुआ सारी ख्वाहिशें पूरी हों और खूब तरक्की हो और सबसे ज़्यादा हमारे देश की तरक्की हो तो हमारी तरक्की होगी। तो देश की खुशहाली के लिए और आप सबकी खुशहाली के लिए शुभकामनाएं करते हुए मैं शुरू करता हूं। और सबसे पहले तो मैं रमेश गोयल जी को के लिए मैं चाहूँगा कि एक बहुत लंबी आप तालियाँ बजा दें और ये तालियाँ बजती रहें जब तक बजती रहें, जितना इन्होंने बोला उससे ज़्यादा ताली बजनी चाहिए क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं बोलने के लिए। मैंने जो सोचा था बोलने के लिए सारा कुछ इन्होंने बोल दिया, इतना बोल दिया इन्होंने और बहुत अच्छा बोला है एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। और एक बार आपको फिर इन्हीं के लिए तालियां बजानी पड़ेगी क्योंकि मैं आपको जो ये खबर सुनाने वाला हूँ इसके बाद भी इन्होंने इतना बोला है। अभी अभी हमारी भाभी इनकी वाइफ श्रीमती रमेश गोयल जो थाने से अपने घर सात बंगले की तरफ आ रही थी तो जोगेश्वरी के बीच में कहीं ऑटो रिक्शा से किसी गुंडे ने चेन स्नेचर ने इनका पूरा पर्स जो है वो छुड़ा के भाग गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी पुलिस स्टेशन में भी वो लोग बहुत सारा पैसा था पिछले बार जो उन्होंने शूटिंग करने गए थे काफ़ी पैसा तो पूरा पैसा लेकर के भाभी जी गई थी कुछ शॉपिंग वॉपिंग के लिए तो वो पूरा लेके भाग गया। उसके बावजूद अभी ये बोलने के पहले इनको फ़ोन आ गया था कि ऐसा ऐसा हो गया है और मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, फिर भी उन्होंने इतना बोला है, सब भूल गए थे वो सब, नहीं मेरे भाग्य में नहीं था, चला गया कि वाइफ के साथ ऐसा हो चुका है। उसके बाद भी उन्होंने जो इतना बोला है उसके लिए बहुत राजपूत की इन्होंने जो बात इतनी सच्ची बात बोल दी है रमेश जी ने इनके बारे में कि वाकई ये बात सही है। इन्हें 45 साल हो गए, मुझे 40 साल हो गए, है ना। मैंने आपको भी स्ट्रगल करते हुए देखा और हम और ये लोग साथ में ही मतलब स्ट्रगल हम लोगों ने किया है और मैं देखा करता था भाग दौड़, ये गोरेगांव बांद्रा चर्च गेट इधर हम लोग बहुत भागा करते थे, भूखे प्यासे खूब भागते थे और ऐसे हाथ हिलाते थे कि सब ठीक है, हाँ सब ठीक है। तो तब से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये बात फैक्ट है, ये हकीकत है कि हमने अपनी लाइफ में इतनी सारी 250-300 फिल्में मैं कर चुका हूँ, लेकिन इतना प्यार, इतनी मोहब्बत और इतनी लगन और इतनी सीरियसनेस मैंने किसी प्रोड्यूसर्स में नहीं देखा। तो सही बात है ये। इनकी राजपूत की मैंने दो फिल्में की है ना, उसके लास्ट जो मेरी फिल्म थी बदला हिंदुस्तानी का, जिसमें मैंने सूरत के लिए मैं शूट करने के लिए गया था। जब मैं बाई रोड जा रहा था तो इस आदमी ने कम से कम मुझे 150 कॉल की होंगी कि सर आप कहाँ हैं, सर आप कैसे हैं, सर आपके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सर आपने खाना खाया कि नहीं, आपने चाय पी के नहीं। इतना कोई प्रोड्यूसर नहीं करता जितना इन्होंने किया। और वहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने 10 बंदे मेरे पीछे लगा दिए कि सर को किसी बात की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सर आप क्या लेंगे, आप क्या, आप यहाँ बैठिए, आप ये कीजिए, नो प्रॉब्लम सर, आपको भी तकलीफ। तो इस तरह से इन्होंने जो प्यार, जो मोहब्बत मेरे लिए बताइए, मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊँगा और मैं इनको हमेशा याद करता रहूँगा। तो इन्होंने बहुत इज्जत दी और जहाँ पर भी मुझसे बन पड़ा, जहाँ इन्होंने बुलाया, मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अगर हूँ, फ्री हूँ, आ सकता हूँ तो मैं ज़रूर आऊँगा। अभी ये जो फिल्म बनाने जा रहे हैं इनक्रेडिबल इंडिया, पूरी बाइंडेड स्क्रिप्ट इन्होंने मुझे 1-1.5 महीना पहले इन्होंने दे दी, जो मैंने पढ़ रहा हूँ मैं, जो बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। और यहाँ तक इन्होंने बोला कि सर आप इतने एक्सपीरियंसड हैं, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, आपको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप स्क्रिप्ट को देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ कमज़ोरी है
तो प्लीज़ आप जो बोलेंगे मैं उसके आपके साथ बैठने को तैयार। yes. तो मैं हाँ है, जब स्क्रिप्ट बनती है तो उसमें बड़े बड़े राइटर जो लिखते हैं उसमें भी गलतियाँ होती हैं, कुछ त्रुटियाँ होती हैं, कुछ कमियाँ होती हैं, तो वो उसको सुधारा जा सकता है, वो हम लोग बैठ करके सुधारेंगे। लेकिन एक बहुत अच्छा थॉट है इनका, जो थॉट है वो बेसिक जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है। नहीं दी तभी मैंने कहा था कि आपका जो कंटेंट है जो आप बनाने जा रहे हैं, जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं, जो अपनी बात को जिस तरीके से कहने जा रहे हैं, वो मेरे को बहुत पसंद है। जहाँ तक स्क्रीन प्ले का सवाल है, डायलॉग का सवाल है, वो हम बैठ करके देख सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। तो एज ए डायरेक्टर ये इनकी पहली फिल्म है, और मैं अली भाई और हमारी इंडस्ट्री के जो बीच में इनको इसलिए बैठाया गया है कि ये इंडस्ट्री के मेरे लिए भीष्म पितामह हैं, खास करके जो तो ये क्योंकि इन्होंने इतना जो स्ट्रगल किया है। और बहुत ही, मैं रमेश जी के लिए दो बात इतना ज़रूर बोलूँगा, क्योंकि मैंने बहुत कम ऐसे लोगों को देखा है जो अड़े रहे, डिगे नहीं, चलते रहे, ये आज भी चल रहे हैं। यस। और ये चना खा के चलते हैं, ये भी कमाल है बताऊँ। yes. चना पोहा और इस तरह के जो है ना, ये चीज़ें खा करके और पानी पी के चलते हैं ये। yes. और इन्होंने अपने आप को, अपनी नर्व्स को इतना कंट्रोल में कर रखा है, जो कि आज की डेट में बड़ा मुश्किल है। सिगरेट नहीं, शराब नहीं, कुछ गलत काम नहीं, लेट नाइट नहीं, सिर्फ अपना काम करना, और जो भी काम मिले, जो भी रोल मिले, उसमें बराबर पूरी उसको शिद्दत के साथ करना, सिंसियरली जो काम करना, ये बहुत बड़ी बात है। और कभी, सबसे बड़ी बात, कभी इंडस्ट्री से शिकायत नहीं रही, ये सबसे बड़ी बात होती है। कि अदरवाइज़ आदमी बड़ा बहुत जल्दी अपने आप को जो है ना कंप्लेन करना शुरू करता, शिकायत करना शुरू कर देता, ये है, वो है, वो। इन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की, उन्होंने कोई बात नहीं, और हमेशा ऑलवेज स्माइल चेहरे पर। और दूसरों की मदद जितनी हो सकती है, जहाँ तक हो सकती है, जिस जगह पर जाके हो सकती है, वैसे किया, सालों से है, 25-30 साल हो गए। yes, yes. और हम लोग साथ में रहे हमेशा है। आज अली भाई को भी आप कभी भी बुलाइए, कैसे भी बुलाइए, किसी जगह भी बुलाइए, आपकी सेवा के लिए, आपकी खिदमत के लिए तत्पर हैं, और हमेशा ऐसा, और मिलेंगे आपको। आप रात को 2 बजे भी अली भाई को फ़ोन करेंगे किसी चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे कॉन्टेक्ट्स हैं उन्होंने, और उनका उनकी अपनी जो सोच है, जो फितरत है, उस फितरत के हिसाब से उन्होंने काम किया है। फिल्मों में भी काम किया, पॉलिटिक्स में भी उतने ही एक्टिव हैं, उतने ही सक्रिय हैं, और समाज के लिए भी, समाज सेवा के लिए भी उतने ज़्यादा तत्पर हैं। तो ऐसे लोग जब जमा होते हैं राज राजपूत के साथ, तो मैं समझता हूँ कि वो, और उसके बाद फिर वो सोच, मैंने फिर बार बार यही कहूँगा कि इन्होंने इतनी सारी बातें बोल दी हैं कि अब ले दे के फिर वही बात आती है। तो बहुत 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 शुक्रिया राज राजपूत का, और उनकी जो पत्नी है रेनू का, बस हम उनके लिए, हम सब, हम उनके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको सेहत दे, और उनको नई और भी तरोताज़ा ज़िंदगी दे। तो मैं नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ आप सभी को, और आप सभी के माध्यम से आपके सारे दर्शकों को। और आरआर फिल्म्स, राज राजपूत जी के बारे में मैं क्या कहूँ, मतलब जब से इनसे मिला हूँ, एक जैसे कि रमेश अंकल ने, पापा ने और मुश्ताक अंकल ने सब कुछ कह ही दिया है, तो कुछ कहने के लिए बेशक बचानी। और फिल्म इंडस्ट्री के इतने दिग्गज लोगों ने इतनी तारीफ कर दिया, तो ज़रूर उस बंदे में ऐसी कुछ बात होगी खास। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए इतनी तारीफ हो रही है। और एक चीज़ है कि जिस इंसान की नीयत नेक हो तो उसके साथ कभी बुरा नहीं होता, वो हमेशा सफलता की सीढ़ी चढ़ता ही जाता है, जिस तरह से राज राजपूत जी चढ़ रहे हैं। और हम दुआ करते हैं नए साल में और ज़्यादा कामयाबियों को छुए। इससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ, बस गुड विशेस देता हूँ आप सभी को भी, नए साल की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, और आरआर फिल्म्स बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो, और इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो भी सारे बहुत ज़्यादा कामयाब हो, यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। तो वेट कर रहा था कि इस बारे में, क्योंकि बड़ा मेन बात में अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं था, मैं 4 तारीख को रामपुर में था, और 4 की रात में ही लेट नाइट आया हूँ, और मैं लेट हो गया था, और मुझे मैसेज नहीं मिला, लेकिन मैं असहाय था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, शूटिंग वहाँ पे कंप्लीट करनी थी, और मैं बीमार भी हो गया था ठंड की वजह से, बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे, माइनस चल रहा था रामपुर में। 4 तारीख की लेट नाइट आया, और 4 तारीख को इन्होंने एक कंडोलेंस मीटिंग रखी थी सुनील पॉल ने, आप लोग कैसे, शायद मैं नहीं जा पाया था, मुझे बहुत इस बात का अफसोस है। एनीवे, कादर भाई के साथ मैंने कम से कम 7 फिल्में की होंगी, 5-7 फिल्में की हैं, और जिनमें 3 फिल्में बड़ी हिट थी। एक थी उसमें बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, जिसमें मैंने इंस्पेक्टर का रोल किया था, और दूसरी फिल्म थी अजीज सजावल की चलो इश्क लड़ाएं, एक फिल्म आई थी कादर खान गोविंदा की, उसमें मैं था, क्योंकि नाम बोल रहा हूँ।
और एक तीसरी थी फिल्म जो मैंने उनके साथ लास्ट फिल्म की, उसका नाम था फंटूस। फंटूस तो मैं ये समझता हूँ कि कादर भाई जो थे, कादर भाई मैं समझता हूँ एक्टर नहीं, सिर्फ एक्टर नहीं थे, वो इतने बड़े राइटर थे। शायद लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन इतनी फिल्में लिखी उन्होंने और इतनी बड़ी बड़ी फिल्में लिखी हैं, है ना। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई की ये फिल्में वो कादर भाई लिखा करते थे, और बहुत सारी फिल्में लिखी हैं। और उन्होंने मतलब एक्टर के साथ साथ वो बहुत बड़े राइटर थे, और मैं समझता हूँ उसके साथ साथ बहुत ही हाईली एजुकेटेड पर्सन ही वॉज, हाईली एजुकेटेड, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे। और अब मैं नहीं समझता, मैं जहाँ तक समझता हूँ अली भाई, और ये मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे रमेश जी, कि मैंने कभी उनको किसी फिल्मी पार्टी में नहीं देखा। फिल्मी पार्टी में नज़र नहीं आते थे, ज़्यादा मैगजीन में नज़र नहीं आते थे, और वो अलूफ मतलब अकेले रहते थे। वो इसलिए भी कि वो अपने ही काम में लगे रहते थे। और जब मैं फिल्म की शूटिंग किया करता था, तो मैंने हमेशा उनको देखा कि वो जब हम लाइटिंग हो रही है या कोई टाइम है बीच में, तो वो लिखा करते थे, बस वो लिखा करते थे। तो पता चला कि वो किसी और फिल्म के लिए डायलॉग्स भी लिख रहे हैं, बहुत अच्छे राइटर थे, बहुत अच्छे। और वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि वो थिएटर के आर्टिस्ट थे, थिएटर से उन्होंने शुरुआत की थी। पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद, लेकिन हम, क्योंकि मैंने भी थिएटर किया, 15 साल मैंने थिएटर किया है, लेकिन जब मैंने थिएटर स्टार्ट किया, तब कादर भाई स्टेज थिएटर छोड़ चुके थे और फिल्मों में बहुत बिजी हो गए थे। बट उनके लिखे हुए और उनके स्टेज किए हुए दो प्ले बहुत ज़्यादा फेमस थे। एक था वो लोकल ट्रेन करके, एक उन्होंने लिखा था बॉम्बे की जो लोकल ट्रेन है उसको लेकर के बनाया था कि लिखा था, बहुत ही कमाल का प्ले था वो। और एक और उन्होंने उनका जो लिखा हुआ और नाटक स्टेज किया हुआ था, वो था बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, ये उनके नाटक थे। और तो हम तो काफ़ी मुतासिर थे, और बहुत अच्छे इंसान और बहुत अच्छे एक्टर थे। और मुझे याद है एक लाइन मुझे फंटूस की शूटिंग में उन्होंने मुझे कहा था कि ऐसी बातें चलती रहती, तो कादर भाई के बारे में, एक्टिंग के बारे में, थिएटर के बारे में बात करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि अब हमारा तो, हमने तो बहुत सारा काम कर लिया है, हमारा वक्त भी अभी धीरे धीरे जा रहा है, अब आप लोगों का वक्त है, तो अच्छा काम करो, अच्छा सिनेमा बनाओ, जबान का ध्यान रखो, स्वस्थ मनोरंजन दो, इस तरह की फिल्में बनाओ, और एटमॉस्फियर मतलब जो है इंडस्ट्री का अच्छा साफ सुथरा रखो, क्योंकि वैसे भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग काफ़ी बदनाम कर देते हैं कि ऐसी है वैसी है। तो वो उस तरह के थॉट उनके थे, उस तरह की सोच उनकी थी। वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो एक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़े गुरु की तरह थे, फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत बड़े मतलब एक स्कूल थे वो, और बेसिकली वाज़ ए प्रोफेसर, वो प्रोफेसर थे, वहाँ से आए थे, और बहुत स्ट्रगल किया था उन्होंने अपनी लाइफ को। वो जो यहाँ जो अचीवमेंट उनका है, वो बहुत लंबा संघर्ष था उनका। तो उसके बाद फिर वो बीमार हो गए, यहाँ से चले गए, तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाती थी, हम इतने दूर चले गए थे वो कि उनको देखने जाना भी बड़ा मुनासिब ही था, और जा नहीं पाया कोई। तो अंतिम संस्कार यहाँ नहीं हुआ, दूसरा जी लग रही है कि उनके जो अंतिम संस्कार हुआ वो कनाडा में ही कर दिया गया, हाँ जी 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 हाँ, ये बात बिल्कुल सही कहा आपने, ये यहाँ आना चाहिए था बॉडी, नहीं उनकी फैमिली पूरी वहाँ पर है, हाँ वो, और शायद कुछ मजबूरी रही हो, जी 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 वो ठीक है, कहने में अच्छा लगता है ये, अगर पूरा हिंदुस्तान उनका फैमिली होता ना, तो जो उनके बेटे ने जो स्टेटमेंट दिया ना, वो कभी देते नहीं वो। इसलिए कि उनको किसी आदमी ने फ़ोन ही नहीं किया, जिन जिन लोगों की उन्होंने कैरियर बनाया, जिन जिन लोगों की लिखा, जिनके साथ काम किया, भाईचारे की तरह से सबको समझाया, आगे बढ़े, सबको साथ लेके चले, उनका स्टेटमेंट ऐसा है बेटे का कि किसी ने फ़ोन ही नहीं किया कि आपकी, कम से कम फ़ोन तो कर सकते थे भाई कि हमने आपके साथ बहुत काम किया, साहब कैसी तबीयत है, दुश्मन से ही पूछ लेते हैं। और जो 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 लोग, हाँ जो लोग जो कैपेबल हैं, हाँ जो कैपेबल हैं, जो जा सकते हैं, उनको जाना चाहिए था। क्या आजकल तो फ़ोन के पैसे ही बहुत कम लगते हैं, हमारे पास तो नंबर नहीं था, हम जैसा आदमी फोन कर सकता था उनको। एनीवे देखिए भाई, सबसे बड़ी बात ये है, चलती का नाम गाड़ी है। हाँ बस, जो चल रहा है उसके पीछे लोग चलते हैं, बस जो आया स्टार है उसके साथ हैं। चल वो अगर फ्लॉप हुआ तो कोई नहीं पूछता, बाप को बेटा नहीं पूछता, वो तो कादर खान साहब थे। यस, उनकी फैमिली ने पूछा, कनाडा में शिफ्ट हुए थे, आपका कहना सही है कि उनको हिंदुस्तान किसी भी कीमत में लाना चाहिए था, उनको यहाँ दफनाना चाहिए था। एनीवे कौन लाता, पिछले साल हम गए थे उनके घर पे मिलने, बहुत बैड कंडीशन से गुजर रहे थे वो, बहुत बुरी हालत। मैंने भी 4 से 5 फिल्में उनके साथ की थी,
आप एक बार तकलीफ में आ गए कोई पूछता नहीं है कि सच्चाई है। मालिक उनको जन्नत में आला मुकाम दे, उनको बस और क्या उनके फैमिली के लिए दुआ कर सकते हैं। जी अरे भाई, एक सवाल है आपसे कि आमिर जी और कादर खान जी दोनों बड़े करीबी दोस्त रहे और आप भी उनके करीबी, आप दोनों जन के साथ काम किया, और अमित जी के एक कमेंट पे ट्रोल हो रहा है कि एटलीस्ट उनको तो उनको ये करना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए तो, क्योंकि एक उन्होंने वीडियो तो आपने वो वीडियो देखा क्या और क्या कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो तो नहीं देखा लेकिन ऐसी बातें आ रही इंडस्ट्री में। लेकिन देखिए अब बच्चन साहब भी क्या कर सकते हैं, वो बहुत बिजी हैं। आज इस एज में भी इतना काम कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, अभी नागपुर में शूटिंग थी उनकी, कई एड फिल्में कर रहे हैं, खुद भी बीमार रहते हैं। तो अब ठीक है, गोविंदा जी भी बहुत क्लोज थे, मैंने भी 4 से 5 फिल्में उनके साथ की। तेरी पहल मेरे गीत एक फिल्म थी जिसकी शूटिंग करते वक्त छोटा ये जो कश्मीर है गोरेगांव में नाव के अंदर होल हो गया था, कादर खान साहब डूब रहे थे और वो खामोशी से अपना कलमा पढ़ रहे थे और डूबते जा रहे थे। 4-5 तैराकू थाने लेक में नहीं, ये गोरेगांव में छोटा कश्मीर, अच्छा, मैं उसमें विलन था। तो वो बोट जो है डूबती जा रही और वो पढ़ते जा रहे, इतना पानी आ गया, तब जाके तैराकों ने उनको पकड़ करके उनको बीच में से उनको बाहर निकाला। तो वो एक तो बहुत मतलब अपने नमाज वमाज बहुत ये थे और पढ़ते उड़ते बहुत थे, खुद टीचर रह चुके हैं, बहुत गरीबी देखी है उन्होंने और बहुत नेक इंसान थे। सबसे अच्छी बात कि इंसान बहुत अच्छे थे, चाहे किसी का भी छोटा बजट हो बड़ा बजट हो उसके साथ काम करते थे। 250 फिल्मों में उन्होंने तकरीबन डायलॉग लिखे, 300 फिल्मों में काम किया। तो इस इंडस्ट्री का यह उसूल है, आप चल रहे हो आपके साथ लोग हैं, आप जहाँ सीढ़ी से ट्रैक से हटे लोग भूल जाते हैं, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। चलती के गाड़ी में हर एक आदमी बैठना चाहता है, वो हमारी लाइन में है, इसलिए आज मैं देखता हूँ कि आज एक जमाना हजारों लोग खड़े रहते थे, इस बार भी हम गए तो मुश्किल से 10 लोग मिले। हाँ, क्योंकि वो बीमार पड़े हुए हैं, आउट ऑफ माइंड, आउट ऑफ साइड, आउट ऑफ माइंड। आप जहाँ ट्रैक से हटे लोग भूल जाते हैं, इसमें बुरा मानने वाली बात कोई नहीं। इसलिए मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस ट्रैक से कभी नहीं हटूंगा, मरते दम तक काम करूंगा। आपको तो काम करने ही, आपको तो काम करने ही, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं, खेती कर नहीं सकते। दम तक काम करूंगा जब तक पैरों में चलने लायक मेरी ताकत होगी। पर्स बात सेकंड बात होगी इसमें, चूंकि बात से बात कनेक्टेड है। मैंने 3 साल 2 महीने से खाना नहीं खाया, केवल इसलिए कि मैं जल्दी बुढ़ा नहीं हूं, मेरे पैर काम करते रहे, ये प्रूफ है इस बात का। 3 साल 2 महीने से नो लंच, नो डिनर, नो ब्रेकफास्ट, ओनली चने, चने, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, दूध, इस पर ही मेरी जिंदगी है, क्योंकि मैं बुढ़ा नहीं होना चाहता, शक्ल से नहीं, पैरों से। इसलिए मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों के सामने कि मैं कभी रिटायरमेंट नहीं लूँगा, और जो इंडस्ट्री का चलने का आदमी आउट हुआ तो भूल जाते हैं, मैं भूलने नहीं दूंगा किसी को। सीने पे नहीं, बिल्कुल कोई नहीं भूल सकता मुझे, मैं जब तक जिंदा हूँ, जब तक सांसें, तब तक मैं पब्लिक को याद। अरे कितना अच्छा मीडिया है फेसबुक, फेसबुक कितना अच्छा मीडिया है, आप लोग हमको बुला लेते हैं, हम फेसबुक पे फोटो पोस्ट कर देते हैं, हमको सब लोग याद रखते हैं, भाई अभी भी लोग जिंदा हैं, तो अभी हमको कैसे भूल सकते हैं ये लोग, हमें प्रॉब्लम ही नहीं किसी बात की। कादर खान साहब को भूल गए, इस बात का हम सबको दुख है, आपको भी दुख है, लेकिन अभी हमने ये सोच लिया है कि यहाँ पर जो है आदमी चलती हुई गाड़ी में जरूर बैठता है, लेकिन हम चलती गाड़ी हमेशा चलाते रहे, हम कभी पीछे हमारी गाड़ी रुकेगी नहीं। सबसे पहले तो मैं RR फिल्म का धन्यवाद करना चाहूँगा, आज दोबारा उन्होंने इस इवेंट का किया है, और हमारे जितने भी सीनियर कलाकार आए थे, मुश्ताक जी, अली जी और रमेश गोयल जी, बहुत धन्यवाद उनका भी, और अच्छा लगा आज उनको सम्मान देते हुए हमें। आप 25% जो अब आपने पूछा मुझे, 25% ये बात बिल्कुल सही है कि 25% ये RR फिल्म जो बैनर है इसका ये मूल मंत्र ही है कि हमें देश के लिए कुछ ना कुछ करना है, और जो भी हमारी फिल्म की कमाई होती है ये डिसाइडेड है मिस्टर राज राजपूत सिंह जो प्रोड्यूसर है इस फिल्म के, RR बैनर के तले फिल्म आ रही है इनक्रेडिबल इंडिया, देशभक्ति की ये मूवी होगी, इंडो पाक क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी होगी। ज़्यादा मैं कुछ और नहीं बोलना चाहता बिकॉज बहुत अच्छी कहानी है, क्योंकि थोड़ा हमें आगे के लिए भी रखना चाहिए, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि 25% जो भी हिस्सा होगा, इसके पहले भी जो फिल्म थी उसको भी किया गया, और ये फिल्म के लिए भी हमने यही सोचा है, और अगर आपकी दुआ रही ये फिल्म अगर चली और अच्छा की तो हम तो ज़्यादा से ज़्यादा देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे।
तो आरआर बैनर को मैं पर्सनली भी थैंक्स कहना चाहूँ जो इस तरह की वो सोच रखते हैं, और इस तरह से ऐसा कोई प्रोड्यूसर सोचता नहीं है। सर के बारे में तो आपने इन्होंने बता ही रखा है, बहुत अच्छे इंसान है। हम जैसे इंसान, हम छोटे कलाकार हैं, पर हमें चांस दिया और सबको एक जैसा समझते हैं। आज देखा ना आपने मेरा बर्थडे कितने अच्छे से मनाया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप बताइए, आप क्या कहेंगे? सर के बारे में जितना कहूँ उतना कम है, उतना कम है। सर और मैम, उनके जैसा शायद ना कोई होगा ना हुआ है। और हम तो पहली बार आ रहे हैं, हमको एक मौका मिला ये मूवी में। हम दिल से दुआ करते हैं कि हम बहुत जी जान से मेहनत करेंगे, जितने भी हम कलाकार, आपको पब्लिक को खुश करने के लिए हम ऐसा काम करें, इतनी मेहनत से काम करेंगे शायद सबको पसंद आवे। और हम ऐसा उसमें सब मिलके ऐसे काम कर रहे हैं जैसे कि हम सब घर के हैं, एक परिवार के जैसे हम लोग काम कर रहे हैं। और सर हैं हमारे, सर कभी किसी में भेदभाव नहीं समझते, कोई छोटा बड़ा नहीं है, वो सबका ऐसा एक सम्मान करते हैं। पर और कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि हम पहली बार सबके सामने बोल रहे हैं। राजपूत के मूवी में भी काम करने जा रही हूँ, अच्छा मूवी में भी काम करने जा रही हूँ। बहुत अच्छे इंसान है और अच्छा भी लग रहा है, बहुत सब लोग बहुत अच्छे हैं, जितना भी ग्रुप है सब अच्छे हैं। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल गए। और राज राजपूत जी सर के बारे में क्या कहना, वो मेरे बड़े भाई जैसे हैं। और ये जो फिल्म बना रही है हिंदी इनक्रेडिबल इंडिया जो मूवी है, ये हॉरर प्लस कॉमेडी से भरपूर। और इस फिल्म का जो 25% आपने सुना, बहुत सही बात है। और मुझे नहीं लगता कि आज तक ऐसा कोई प्रोड्यूसर सोचा होगा, शायद आप लोगों भी ने आज तक नहीं देखा। सो इनके बारे में ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, मैं चाहता हूँ और आप लोगों से भी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, प्रचार करें। इनक्रेडिबल इंडिया जो इस मूवी का नाम है, बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अनोखी मूवी है। आई थिंक हम इसके बारे में अब तक सोच रहे थे, लेकिन अब की बार कुछ ऐसा कुछ बन रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस मूवी में काम करते हुए। इस मूवी का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और आप सभी को मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जितने भी मीडिया कर्मी आए हुए हैं। और ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो भी उभरते हुए कलाकार हैं, जो इस फील्ड में नाम कमाना चाह रहे हैं, जो इस फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, उनको एक ऐसा शख्स मिलता है राज राजपूत जैसा, जो उनको प्लेटफॉर्म दे और उनको काम दिलाने की गारंटी दे और उनको बढ़ाने की कोशिश करे। शायद वो इतना अपने घर के बारे में नहीं सोच रहे जितना हम 65 लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत ही काबिल तारीफ है और इस मूवी पे अभी काम चल रहा है और आगे इस मूवी के बारे में अपडेट होता रहेगा। मैं विजय सिंह पटेल, प्रयागराज उत्तर प्रदेश की धरती से। और आज जैसा कि आप सब आए, सभी मीडिया बंधुओं को मैं हृदय से शुभकामनाएँ देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप सब जो है इस कार्यक्रम में आए, उपस्थित हुए। यह कार्यक्रम आज 6 जनवरी का दिन 2019 6 जनवरी का दिन, और हमारे इस रेणुका राज राजपूत फिल्म्स के बैनर तले जो बन रही है फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया, उसके प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर रेणुका राज राजपूत सिंह जी आज जो है मीडिया सम्मान समारोह और सीनियर एक्टर सम्मान समारोह रखे हैं। उस कार्यक्रम में आज हम आप भाग लिए हुए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और जो सीनियर एक्टर आए जैसे अली खान सर जी, मुश्ताक खान सर जी और रमेश गोयल सर जी, और उनके साथ में अली खान जी के दामाद सुफियान कपाड़िया जी आए, मैं उनको तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और रही बात इस फिल्म की इनक्रेडिबल इंडिया की और हमारे इस बैनर के राज रेणुका राज राजपूत फिल्म्स जो बैनर है, इस बैनर में यह इनक्रेडिबल इंडिया फिल्म बन रही है, तो ये जो है राज राजपूत सर जी की देन है और रेणुका मैडम जी की देन है कि चाहे नया एक्टर हो चाहे पुराने एक्टर हो, सबको इस फिल्म में काम करने का चांस दिए हैं। इसमें जो है 64 यानी कि 64 कलाकार हैं, ये उनकी महानता है, उनकी एक महान सोच है। और हम भगवान से यही कामना करते हैं कि राज राजपूत सर जी को और रेणुका मैम जी को इतनी बड़ी सोच दें, उससे भी ज़्यादा वो काम करें। धन्यवाद। आए हैं उनको मैं दिल से थैंक बोलना चाहूँगा। और विजय जी ने जो अभी कहा मतलब सर जी के बारे में, उतनी उनका तो जितना भी तारीफ किया जाए कम है जी। और इस फिल्म के इनक्रेडिबल इंडिया का में हम लोग काम करने का चांस मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और दिल से थैंक्स मैं बोलना चाहूँगा
प्रोड्यूसर राज राजपूत जी का, जो कि मतलब हिंदुस्तानी में मैं मेन लीड काम किया था, और इसमें भी मेरा फौजी का ही करेक्टर है। और जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रथम मैं नागेंद्र कुमार इलाहाबाद, जो आपकी प्रयागराज उत्तर प्रदेश से संबंध रखता हूँ, और यहाँ पर आए हुए बॉलीवुड इनक्रेडिबल इंडिया के सीनियर बॉलीवुड एक्टर जो हैं, उनके समारोह समान व मीडिया कर्मी के समान समारोह में आए सभी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं सबसे पहले सल्यूट करना चाहूँगा मिस्टर राज सिंह राजपूत सर और प्रोड्यूसर जो हैं रेणुका राज सिंह राजपूत की सोच का, जिन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी है कि इस फिल्म का जो भी 25% होगा, यानी कि इस फिल्म का 25% का बेनिफिट जो है देंगे किसानों और जवानों को, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो आजकल बहुत कम ही लोग सोचते हैं। अगर ऐसा सोचे तो देश के जवानों और किसानों की जो कंडीशन है वो बेहतर होगी। कष्ट से हूँ अंधेरी। आज जो समा पहले बात तो नए साल की सबको शुभकामनाएं, और सब मीडिया कर्मी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने जिस तरह से आज मतलब राज राजपूत जी को जिस तरह से सहारा आज कर रहे हैं, आज हम लोग जिस आज स्टैंड पे हम लोग खड़े हैं, आज हम लोग का समारोह में हम लोग उन्होंने अच्छी तरह से हमारा आज उन्होंने स्वागत किया है। सीनियर आर्टिस्ट हम लोग भी नए कलाकार हैं, लोगों के बीच में आ रहे हैं। हमारा तो यही दुआ रहेगा ऐसे ही राज राजपूत का हौसला बढ़े और नए लोगों को नए कास्ट के लोग आगे आगे लेते रहे, और नए साल में जैसा जिस तरह से उन्होंने आज तक जो जो काम किए इसके पहले कैलेंडर लॉन्च में, तो जो जो उनके जो जो दिमाग में जैसे जिस तरह आ रहा है वो वैसे करते जा रहे हैं नए नए कुछ ना कुछ, तो हमारी तो दुआएं रहेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसे कुछ बढ़ते रहे, हर नए कास्ट को लेते हुए काम करते रहे। हमारी दुआ है दिल से कि भाई वो और आगे बढ़े। बात करना चाहूँगा राज राजपूत जी का, रेणुका मैडम जी का, जो उन्होंने मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा राज राजपूत जी का और रेणुका मैम जी का, जो उन्होंने मुझे इस फिल्म में बहुत अच्छा कैरेक्टर दिया है। मैं उनकी सोच को सैल्यूट करना चाहूँगा कि जो भी फिल्म की कमाई होगी उसका 25% देश के जवानों और किसानों की फैमिली को जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके बदला हिंदुस्तानी काम में, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा कैरेक्टर था। पहले तो मैं सबको हैप्पी न्यू ईयर बोल रही हूँ, मेरे मीडिया भाइयों को, बंधुओं को। आरआर फिल्म से मैं जुड़ी हुई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया, और मुझे जुड़ के बहुत अच्छा लगा। और सबने राज राजपूत जी का, रेणुका मैम जी का सब कुछ तो बोल ही दिया, मैं क्या बोलूँ। वो सच में ह्यूमन बीन बहुत अच्छे हैं, और उनका सोच अलग है, उनकी थिंकिंग बहुत अलग है। और हम काम कर रहे हैं, और आगे हम आगे चाहेंगे आरआर फिल्म बहुत आगे जाए और ये लोग बहुत काम करें। नमस्कार, मैं हूँ साक्षी तिवारी, और सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी हमारे फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर राज राजपूत जी और रेणुका मैडम जी का, सभी मीडिया का, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनका। हमारी फिल्म इनक्रेडिबल इंडिया एक हॉरर फिल्म है, उसमें आपको कॉमेडी मिलेगी और सस्पेंस भी। आप लोग ज़रूर देखिएगा, ये एक देशभक्ति मूवी है, और आप लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं। इंडिया के बारे में बोलना चाहूँगी कि एक जो शुरुआत हो रही है, इस शुरुआत के बारे में बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला है, लेकिन मैं इतना कहूँगी ये देश ऐसा है जिसमें हम सभी लोग रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम किस्मत वाले लोग होंगे जिनके देश को सेवा करने का अवसर मिलेगा। बहुत कम लोग ही देश की सेवा के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, जब मेरी फर्स्ट टाइम मुलाकात हुई राज राजपूत जी से, उन्होंने मुझे एक बार बोला कि मैं इस देश में फौज में भर्ती होना चाहता था, लेकिन मेरे से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मैं फौज में भर्ती नहीं हो पाया, और वो देश सेवा को जो जज्बा मेरे मन में, उसका मैं अपनी फिल्म के माध्यम से करना चाहूँगा। ये इनके लिए बहुत अच्छा स्टेप था, और मैं उनको कांग्रेचुलेशन दूंगी, दुआ करूंगी कि वो जो ये जज्बा लेके आगे बढ़े, इस जज्बा के साथ उनके साथ एक भीड़ चले, भीड़ के साथ और भीड़ जुड़े, और भीड़ के साथ और भीड़ जुड़े। नमस्कार, मेरा नाम गुलाब सिंह पटेल है, इलाहाबाद जो प्रयागराज के नाम जाना जाता है, और आरआर फिल्म जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर रेणुका सिंह राजपूत जी और राज सिंह राजपूत को मैं प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर आए मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये 25% जो हमारे राज सरकार का सोच है, जो किसान और जवान को दे रहे हैं, उन सोच को, राज सरकार की सोच को मैं सैल्यूट करता हूँ।
मेरा नाम सचिन चौरे, मैं औरंगाबाद से हूँ और आरआर फिल्म्स, सबसे पहले तो आरआर फिल्म्स और सारी टीम के तरफ से आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आप सभी को और आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमें बहुत शुरुआत से सपोर्ट किया है, प्यार दिया है और उम्मीद करता हूँ आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे आप सब लोग। और मूवी के बारे में बताना चाहूँगा तो ये फिल्म आरआर बैनर के तरफ से एक दूसरी फिल्म है जो देशभक्ति के ऊपर डिपेंड है। तो इसमें बहुत सारे अच्छे कलाकार जुड़े हैं, जाने माने कलाकार हैं, मुश्ताक खान है, अली खान है, राजपाल यादव सर जी हैं और भी बहुत सारे स्टार कास्ट हैं और जितने भी लोग जुड़े हैं अच्छा काम करेंगे हम सब लोग और उम्मीद करते हैं सबको ये पसंद आएगा। मेरा नाम विनोद पटेल है, मैं बनारस मिर्जापुर जिला से रहने वाला हूँ और आरआर फिल्म जो है जिसके बैनर तले फिल्म बनने जा रही है इनक्रेडिबल इंडिया, हॉरर फिल्म है, बहुत ही अच्छा फिल्म है और आपको कॉमेडी भी देखने के लिए मिलेगा। और सबसे पहले मैं सम्मान करना चाहूँगा मीडिया का जो कि हम लोग का कीमती समय देते हैं, फिर इस फिल्म के प्रोड्यूसर राज राजपूत सिंह और रेणुका राजपूत सिंह। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का नमस्कार करना चाहता हूँ एंड राज राजपूत सर जी एंड रेणुका मैम जी ने जो सबसे पहले हमें एक चांस दिया नवा, जो हम जो आज इनकी वजह से है, राजपूत सर जी के वजह से इनक्रेडिबल इंडिया मेरा पहला चांस था बस। गुड इवनिंग, माय नेम इज मिथिलेश कुमार, मैं बिहार से हूँ और आरआर फिल्म से मैं जुड़ के मतलब अपने आप को लकी मानता हूँ जो उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और राज राजपूत सर और मेनका मैम जी के बारे में तो मतलब कोई वर्ड ही नहीं है, मतलब इतने अच्छे हैं बस ये। और मूवी के बारे में तो बस जानते ही हूँ आप जो बताए गए हैं इनक्रेडिबल इंडिया के बारे में। थैंक यू। धन्यवाद, शुक्रगुजार करते हैं और सबसे पहले रेणुका मैडम और आसिफ राजपूत का बहुत शुक्रगुजार है हम लोग आसिफ जाकिर जिन्होंने हमें इस फिल्म में चांस दिया है और इसमें बहुत ही अच्छा म्यूजिक हुआ है, शाहिद माल्या, राजा हसन, सरोजी बोरा और भी बड़े सिंह, जावेद अली जी वगैरह काफ़ी सिंगर्स गाने वाले हैं इसमें। उम्मीद करता हूँ कि आप फिल्म का म्यूजिक और ये फिल्म आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और इसका म्यूजिक बहुत अच्छा बना है। और सबसे खास बात इस फिल्म की है कि इसका 25% जो ये गरीब किसानों को और इनको दे रहे हैं, इसलिए हम इसके फिल्म के साथ जुड़े तो हमें और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, मैं अवधेश शर्मा इस फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हूँ और ये हमारे दो भाई हैं आसिफ और जाकिर, इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा ये हमारे भाई सात गाने हमारी फिल्म के कर रहे हैं जिसमें अभी हमारे राजा हसन जी ने गा चुके हैं और ये शाहिद माल्या जी गा चुके हैं और भी सिरोडी बोरा और देव नेगी वगैरह, रितु पाठक वगैरह काफ़ी लोग गाने वाले हैं। तो मुझे बहुत खुशी की बात है कि मैं सबसे पहले राज सर और रेणुका मैम को थैंक्स बोलना चाहूँगा और हमारी पूरी टीम को थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आज यहाँ पर आया और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं जाकिर भाई और आसिफ भाई से यही दुआ करूँगा कि हमारा इसी तरह अच्छे काम चलते रहा और नेक्स्ट फिल्म के लिए हम इनको पहले से ही फाइनल कर लिया है।